फाइनली ये रहा मेरा सुंदर सा ड्रेस। सबसे पहले दिखाते हैं अपने लिए लोअर हम खरीदे थे। देखिए ये तो जेंट्स का डिजाइन में खरीदे हैं। एक मेरे पास जो कुर्ती था ना वो हम घर वहीं छोड़ दिए थे, हम बोले थे कि उसका बाजू लगाना था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों एक बजे सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ना एकदम चेयर पर बैठ कर ना मैं ऐश फरमा रहा हूँ, पता है क्यों? कमर दुख रहा है। बेड पर थोड़ा सा बैठ के काम कर रहे थे और बैठने से एकदम कमर सीधा हो जाता है, इसलिए यहाँ बैठने से ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अगर कोई हमें यहाँ पर चाय देता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन खैर कोई देने वाला है नहीं। आज भिड़े हुए हैं अपना पर डे का जो दिनचर्या काम है किचन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आप क्या बोले, कोई नहीं है देने वाला तो देता, बैठल थे तो मजा आ जाता। आप तो खुद भी नहाए नहीं है, पूजा नहीं किए हैं, तब चाय पीजिए कैसे? दूध है, आप फटाक से नहा दो कर ये पूजा की चाय बना के देते हैं आपको हम। ये ना हुई बात। तो आज किचन में क्या बन रहा है? अभी गोभी फ्राई कर रहे हैं। आज नारे आलू गोभी का सब्जी और प्याज और आलू दोनों मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और इधर बाबू के लिए बना दिए हैं भिंडी का भुजिया। अरे वाह, इनके लिए स्पेशल सा हो जाता है। आज पहले से ही बोतल लेके घूम रहे हैं कि कोई देता खा लेना तो पानी पी लेते क्या। चल दिए, अभी चपाती नहीं बना है बेटा, तो रोटी साथ ही देते ना तो खा जाएगा भुजिया सब। खाने दीजिए ना, अभी गोभी निकाल ले, रहने देंगे, गोभी उनको पसंद है इसलिए गोभी हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा अथी हो जाएगा लाल टाइप का ना, तब इसको निकालेंगे। और वो ना बाबू के पास जाके एकदम खुश है क्योंकि उनको भुजिया मिलकर सुबह सुबह। और भिंडी ना अच्छा लगता है, भिंडी का भुजिया अच्छा लगता है, आलू का भुजिया अच्छा लगता है उनको, फिर क्या बोलते हैं गोभी का भी भुजिया अच्छा लगता है। और आजकल कम मिलता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, और जब छियाइन हो जाता है ना तो टेस्ट गड़बड़ा जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको मैं आज कुछ दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट से पहले काम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद। और छोटा बेबी भी मस्ती कर रहा है, वो अपना खुद मगन है खेलने में। दोनों भाई का ही मस्ती चल रहा है एक जगह पर, एक खा रहे हैं और एक देख रहे हैं। ये देखो आप, अरे यहाँ पे तो थोड़ा सा इनको लगा दिए हैं टीवी शेर वाला। अरे देखो आप एक चक्कर में दो बर्बाद कर दिए। सॉरी भगवान जी। भगवान जी नहीं, हाथ पकड़ के तोड़ना चाहिए ना, तब दो से ही तोड़ ले रहे हो। कितना पक गया है ना, तो ये सब फिर खराब ना हो जाएगा, गिर जाएगा तो इसलिए हम मिर्चा नहीं मंगवा रहे घर पे, मिर्चा है ही, जब इसको खत्म हो जाएगा तब मिर्चा मंगवाएंगे। वैसे ही मंगाते हैं तो सूख ही जाता है। प्याज भी हमारा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसमें घास तो निकालते निकालते थक जा रहे, इतना सारा घास निकल जा रहा है बार बार ना, बड़ा जल्दी सूख जा रहा है, लगता है सप्ताह दिन हुआ है पटाए हुए। और ये देखो कैसे सूख गया, और दरार पड़ गया है ना मिट्टी में, तो ये दरार की वजह से लगता है कि बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं पटाएंगे तो। यहाँ पे भी बथुआ कितना अच्छा निकला हुआ है, ये साग में काम आएगा। और भी जाने धनिया पत्ता, जब आए हैं तो पूरा घूम कर कुछ ना कुछ खोट लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें सोच रहे हैं हम ना इसको फिर से ना कोड़ दें जी। कौन सा? ये वाला, इसको फिर से कोड़ के अच्छा इसमें हम डाल दें नया वाला पालक, क्योंकि जो वो जो पहले वाला पालक है ना वो थोड़ा सा अजीब लगेगा खाने में, तिक्कच लगेगा। धनिया पत्ता तो एकदम मस्त सा निकला हुआ है दोस्तों, एकदम बड़ा बड़ा हो गया है और पूरा होता है ना झंझोटार उस टाइप में। ऐसा घास भी सब निकालना है, एक दिन हम बैठ के निकालते घास निकल नहीं रहा है, लाएंगे अभी काटने वाला उसे छोड़ देंगे। कितना अच्छा धनिया पत्ता लग रहा है, चटनी भी खाने वाला नहीं है। पतिदेव जी को सर्दी हो जाता है और हमको ठंडा में तो अभी नहीं पीस रहे हैं चटनी, देखिए। चलिए खैर, घर का खेती है ना उसका मजा अलग है, और जिनके घर में होगा वही लोग जानेंगे, बाकी लोगों को तो घास भूसा लगता है, नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ सही बात है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, गमले में लगा के छोड़ते हैं शौक शौक के लिए। सोचिए तो ये सब बोलते हैं हमको कि घास पता ही खाते रहती है, कुछ लोग कहते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो घास पता ही है ही। कैसे नहीं, मार्केट वाला पसंद आएगा, घर को उनको पसंद नहीं आएगा। क्या रितवी, वो कटोरा लेके खूब खाए जा रहे हैं हमको, देखिए ना ये भी राहड़ भी तोड़ना, ये कब से कह रहे हैं रूबी हमको राहड़ का सब्जी खिला दीजिए अरहर का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम बना नहीं पा रहे हैं। कितना सारा फूल खिला हुआ है हमारे घरों में, कल ही हम कह रहे थे कि फूल निकल नहीं रहा है, आज देखो भगवान लगता है मेरी बात सुन लिए बिल्कुल, एकदम ढेर सारा फूल आज लाल लाल एकदम निकला हुआ है, खास लग रहा है। देवी माता पर चढ़ेगा और अरहुल का फूल तो वहीं चढ़ता है, देवी माता पर जाता है। हाँ दुर्गा माँ पे भी चढ़ता है, दुर्गा माँ पे और फिर सब भगवान जी भी चढ़ता है, सिर्फ शंकर जी पे नहीं चढ़ता है, ये चढ़ेगा। हाँ शंकर भगवान पर, और एक वहाँ पे कैसे टूटेगा छोड़ दीजिए ना उसको, तोड़ेंगे अच्छा गति होगा गिर गिर।
डरा दिया हमको यार। आप डर गए? चलिए किसी चीज से तो डरे ना, ऐसे तो डरते नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं डरते हैं आप, हमसे तो बिल्कुल नहीं इनको डर लगता है। और था जी कहो, छोड़ रहे तो और भी था ऊपर में, दोस्तों भी हो चुकी है दोपहर और अभी कर रहे हैं हम खाने की तैयारी। तो खाना में सब्जी सुबह बनाए थे, सब्जी है और बाबू के लिए भुजिया फिर से बना दिए हैं, और दूसरी तरफ इधर जा रहे हैं दाल डाल देते हैं, इसमें है सब मिक्स कर दिए हैं, चना दाल है और अरहर का दाल है, मसूर दाल है, सारा मिक्स कर दिए है ना, इसलिए ताकि तीनों जल्दी हो जाता है। और ऐसे भी सिर्फ अरहर खा खा के ना बोर लगता है, तो तीनों मिक्स दाल खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले हम इधर सोचे कि पहले कर लेते हैं और दिखाते हैं। अभी छोटा वाला बेटा को ना भी नहला दिए हैं और नहा दिए तो बिल्कुल एकदम अच्छे से सो गए हैं देखिए। और हमको ऐसे बस पार दिए थे, हमको नहीं पता कि ये सो जाएंगे, और इधर देखिए मस्ती से सोए हुए हैं इधर रात भर बिल्कुल नहीं। कभी कभी ना रात को जग जाते हैं ना, सोने नहीं देते। और इधर देखिए दोनों बाप बेटा लोग क्या कर रहे हैं, बेटा खाली गाना, इनका चल रहा है वीडियो काम और इनका चल रहा है उधर झीनिया, सब देखिए कैसे मजा नहीं करके छोड़ देते हैं। और आज इनका बाल भी कटवाना है तो अभी जाएंगे और जाकर इसका बाल, अभी जाइएगा कि लेट होगा, अभी जाइएगा। तभी दोनों बाबा बेटे जाएंगे मार्केट, तब तक हम इधर खाना की तैयारी कर लेते हैं। बाबू सोया हुआ है और आज इतना कड़ा धूप है ना दोस्तों, सुबह से हल्का हल्का बादल किया था लेकिन लग नहीं रहा था कि धूप नहीं निकलेगा, बट अभी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है देखिए। इधर हो गया है ना, गुस्सा करने लगे हैं आजकल ना। क्या बेटा जी क्या ये नहीं, चेंज कर दे गाना को, चेंज कर दें, इनको घर पे रहना है ना, बस यही बदमाशी करना है इनका और कोई काम नहीं है। ये जाते हैं घर, स्कूल में रहते तो अच्छा लगता, लेकिन अभी छुट्टी है स्कूल में तो क्या करें हम। चलिए देखिए आपको पसंद लाया है, ठीक खुश। दोस्तों रूबी मार्केट गई हुई थी मेरी मम्मी और बहन के साथ में, और आप सब ने कमेंट में कहा था कि वो दिखाइए आपने क्या क्या खरीदा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ ऐसे कमेंट आए थे जो देखने बाद हमको लगा कि नहीं दिखाना चाहिए जब आप लोग देखना चाहते हैं, तो इसीलिए रूबी जो है सारा कपड़ा उपड़ा लेकर बैठे हुए हैं। नहीं इस बार वो दिखाने का मन नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब भी लेती है ना तो बैठ जाती है पर्चा लगा कर दिखाने लगती है, तो इसीलिए इच्छा नहीं कर रहा था। बट जो मेरे चाहने वाले व्यूअर्स हैं ना उनके प्रति मेरा मतलब होता है ना कि हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं छोटी चीज़ भी खरीदती हूँ ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए कुछ कुछ ऐसा सामान जो था जो कि मैं ससुराल में ही छोड़ के आई हूँ, जैसे कि सासू माँ के लिए हमने पर्स खरीदा था, देखे भी थे आप लोग ब्लॉग में, पर्स था। और बबीता जी के लिए कुछ दिखा नहीं सकते वो चीज़ जो लिए थे मैया, और साथ में सैंडल भी लिए थे दो प्रकार का, एक माँ के लिए खरीदे थे एक मैया के लिए खरीदे थे। और कुछ लोग बहुत सारा बोलते सब दिखावा कर रही ससुराल में जाकर, इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि दिखाऊंगी तो भी आप सब बोलते हो दिखावा करती हो, नहीं देते हैं तो आप भी सब कहते हो कि कुछ देती नहीं है कुछ लेती नहीं है। अरे भाई लेना देना क्या, कुछ नहीं रखा है। तो एक मेरे पास जो कुर्ती था ना वो हम घर वहीं छोड़ दिए थे, हम बोले थे कि उसका बाजू लगाना था, तो हम यहाँ पर तो मेरा मशीन नहीं है, घर पर मशीन है, सोचे कि बाजू लग जाएगा। लेकिन जो चीज़ था हम आपको दिखाते हैं, जो चीज़ हम ले के आए हैं पहनने के लिए, थोड़ा सा ब्लॉग में आपको देखने को मिला भी होगा ये वाला ड्रेस, ये ले लिए थे हाँ। देखने में बहुत अच्छा लगा था है ना, मैया को पसंद सबसे पहले फर्स्ट पसंद था। सबसे पहले दिखाते हैं अपने लिए लोअर हम खरीदे थे ये तो जेंट्स का डिजाइन में खरीदे हैं हाँ, हम बोले उनसे बोले कि सब पहन सकते हैं लड़की जेंट्स मतलब गर्ल्स बॉय सब, ये तो हम ही पहन सकते हैं ना, देखिए है ना खूबसूरत। लेकिन इसका ये वाला थोड़ा सा लोचा, हम लोग नहीं पहन सकते। नहीं नहीं अब जेंट्स लोग भी पहन के घूम रहा है सारा, देखिए बहुत लोगों को अच्छा लगा हाँ सेम उनको अच्छा लगा ये। और ये कपड़ा भी देखिए ना दोस्तों बहुत ही प्यारा है, देखिए बहुत सुंदर एकदम हल्का है, गर्मी के लिए भी काम आएगा। और आप सभी बोल रहे थे कि दीदी अब ना आप नाइटी वगैरह मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है नाइटी में, तो आप कोशिश करें नाइटी बहुत कम देखने को मिलेगा आप सबको। वैसा होता है बेबी अगर शायद उसमें नहीं रहने देते हैं तो हम जल्दबाजी में नाइटी पहन के आप वीडियो शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे, बट हम चाहते हैं ना कि आप अच्छा अच्छा ड्रेस पहने, अब कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये लोअर कैसा लगा और मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। कुछ नहीं इसमें हमको सबसे बढ़िया तो लोअर लगा है, इतना अच्छा लोअर है ना कि हम कब से सोच रहे थे ऐसा खरीदेंगे लेकिन हम आज तक खरीद नहीं पाए हैं। ठेवना पर पॉकेट और एक इधर पॉकेट वाला, लेकिन इसमें तो पॉकेट नहीं, तो लगता है कि खाली, अरे पॉकेट है यार,
छोटा पॉकेट है, सिर्फ मोबाइल रख सकते हैं ये। हाँ तो क्या हुआ, हमको भी रखना ही क्या रहता है, यहाँ भी पैकेट है देखिए वो अच्छा पैसा लगा। तो ऐसा पॉकेट वाला हमें भी चाहिए, तो वही नहीं खरीद देते तो क्या हो जाता है। हम बोला कि हम खरीदेंगे तो पता चला के बाद में हमको ही पहनना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं खरीदे आपके लिए। क्योंकि हमने जो लोअर लिया था देखा, एक पीस हम रखे हैं, एक पीस दे दिए हैं, और वो भी पीस नहीं पहने, वो हमको पहनना पड़ रहा है। आप सब कल के ब्लॉग में देखे थे ना ग्रीन वाला, वो ये अपने लिए खरीदे बट वो हमको दे दी, हमको अच्छा लगा था, हम बोले कि आपको पसंद है तो हमको दे दीजिए। और एक जो दो खरीदे थे, एक देवर जी के लिए ही खरीदे थे ये, तो बोले कि हम बाबू को दे देते हैं, तो आप सब देखे भी होंगे ब्लॉग में, हम बाबू को दे दिए। अब ये उजला बोले थे नहीं खरीदेंगे, फिर भी खरीद लिए। उजला है ही नहीं, दिखाते हैं ना ये ऊपर में दिखाते हैं ना। फाइनली ये रहा मेरा सुंदर सा ड्रेस। अरे तो शॉर्ट है यार। हाँ कैसा लग रहा है? मस्त, एक नंबर। अच्छा है, हमारे नाना जी का सब पसंद है, इसे मेरा कोई भी पसंद नहीं है। बोले भाभी आपको अच्छा लग रहा है, हमने कि हाँ अच्छा है, आप डिसाइड करो कौन सा लेना है। ये बांधने वाला तो और भी सुंदर है, बेबी फिटिंग कराने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और बस हमको लगा कि इस टाइप का हमको लेना चाहिए एक दो ड्रेस, तो हम ले लिए। और भी एक तो था मेरे पास इस टाइप का, इसी टाइप का कलर में है, अगर शायद नहीं देखे होंगे तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल वो भी घर पे है, जब वो आएगा वहाँ से बाजू लग के ना, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रहा नीचे का, और इसके ऊपर पहनेंगे ये, या फिर जीन्स के ऊपर भी वियर कर सकते हैं। देखिए जीन्स बहुत टाइट बनता है, जीन्स मेरे पास है, बहुत अच्छा है जीन्स लेकिन पहनना नहीं है क्या? पहन सकते हैं, अभी निकाले नहीं हैं इसका। हमको यहाँ का एम्ब्रॉयडरी ना ज़्यादा सुंदर लगा, इसलिए हम खरीद लिए, है ना खूबसूरत। हमको वो जो होता है ना लटकन वाला जो लंबा लंबा, तो वो पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं लिए उस टाइप का। दो प्रकार का लिए थे मैं, मतलब भाभी ये आपके ऊपर अच्छा दिखेगा, और बोल रहे थे कि रेट भी अच्छा लगता है, तो कहाँ वाइट है, आप बोल रहे थे वाइट है। ये सामने का डिजाइन, ये कोई दिक्कत नहीं है सब वाइट, हल्का फुल्का रहेगा ना। ये वाइट कलर में था, इतना सुंदर था ना दोस्तों, इतना सुंदर कि क्या ही बताएं आप सबको। लेकिन बोले कि नहीं अभी नहीं पहन सकते, पूरा वाइट था, एकदम गंदा लग हो जाएगा थोड़ा सा भी तेल लगाने पर। बाबू को तेल वगैरह लगाते हैं तो गंदा तो होगा ही ड्रेस, इसलिए उसको नहीं लिए। तो आप सब बताइएगा। फिलहाल सासू माँ के लिए एक पर्स था, और मैया के लिए भी खरीदे, अपने लिए भी दो ड्रेस खरीदे थे, तो बस यही पर्पज़ से हम लोग गए थे। तो सोचते हैं कि कुछ कुछ हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत दिन बाद शादी के बाद पहली बार हम लोग वेंडर मार्केट तीनों को गए थे, तो अच्छा भी लगा घूमने में, टाइम स्पेंड किए, बहुत मस्ती की। आप सबने उसको ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबको मेरा ये कपड़ा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रूबी जो है पहली बार इतना सुंदर ननद जी के मदद से ड्रेस खरीदे हैं, बिल्कुल अब उनका चॉइस हमको पता चल गया, इसीलिए आप सभी को पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर जो नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।